और दोस्तों आप पालकी देख रहे होंगे और आप भी दर्शन कीजिए, यही केदारनाथ जाएंगे बाबा जी, जय हो। और साथ में है जो साथ में लेकर चल रहे हैं, दोस्तों अभी आरती चल रही है और आप भी दर्शन कीजिए। दोस्तों कैसे सभी दोस्तों, अभी हूँ मैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर और दोस्तों मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर इसलिए खड़ा हूँ कि यहाँ पर मेरा दोस्त आना है, उसकी वेट कर रहा हूँ। जा रहे हैं हम बाइक से और दोस्त आ रहा है बहुत दूर से। और एक बार आप स्टेशन देखो, क्या खूबसूरत स्टेशन है। और दोस्तों आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे, सुबह 5 बजे ऐसे बाइक चला के यहाँ पर पहुंचा हूँ और पहुंचने का समय मेरा यहाँ का 8 बजे है। 3 घंटे मुझे लगे 180 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। और दोस्तों अभी आपको मैं जर्नी दिखाऊंगा, आपको मैं जो राइड होगी हमारी केदारनाथ की होगी, आपको रूट दिखाऊंगा मैं, आपकी वह रूट कैसा है, क्या क्या चेंजिंग आई है, ठीक है। दोस्तों एक बार आप स्टेशन चेक करो, आप भी आ रहे हो तो स्टेशन से तो योग नगरी ऋषिकेश के नाम से आप सर्च करोगे तभी आपको मिलेगा। ऋषिकेश के नाम से सर्च करोगे तो आपको स्टेशन नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और बहुत खूबसूरत स्टेशन है, बहुत ज़्यादा। और जिस दोस्त की मैं वेट कर रहा हूँ वो आ चुका है, उसकी ट्रेन 10 बजे यहाँ पर रुकनी थी और 10:04 हो चुके हैं, अभी आने वाला है। दोस्तों मैं अपने दोस्त को अंदर की साइड वाले देख रहा था पर मिला मुझको बाहर, सामने खड़ा है, वो वीडियो बना रहा है। और बहुत खूबसूरत है स्टेशन, ये बहुत खूबसूरत है। और ये आप सामने देख रहे होंगे, ये मेरा दोस्त है। और कैसी रही यात्रा, मजा आया? एक साल हो गया ना। हाँ, और सब चलो चलते हैं। और दोस्तों एक बार आप स्टेशन देख लो, और पार्किंग आप यहीं पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने जो भी व्हीकल पे आए हो, ऑटो भी यहीं रुकता है आके। और अभी चलते हैं बाइक पर और अपने धन्ना को उठाकर चलते हैं। दोस्तों अभी पहुंचे हैं देवप्रयाग में और यहाँ देखने को मिलता है संगम, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे संगम। और दोस्तों व्यू पॉइंट की बात की जाए तो व्यू बहुत शानदार है, ये आप सामने देखो व्यू क्या जबरदस्त है। और नीचे देखो आप संगम, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, आपको थोड़ा हवा में वो होगा, ठीक है, फिर भी इग्नोर करना इस चीज़ को। ये देखो आप, ये संगम है और व्यू बहुत शानदार है। अभी आपको फोगी फोगी दिखाई दे रहा होगा, ये दोस्तों पहाड़ों में जो आग लगी हुई है उसका धुआं है, ये सारा का सारा, ये बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। और जो रूट की बात की जाए तो बहुत शानदार है, ठीक है। अभी ट्रैफिक नहीं है, अभी फर्स्ट वीक में तो आप लोग आते हो तो आपको इतनी ट्रैफिक नहीं मिलेगी और ना आपको बारिश मिलेगी। वेदर ठीक है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और व्यू शानदार है, ठीक है दोस्तों। और मज़ा आ रहा है घूमते हुए बाइक पे, और मैं हर साल बाइक पे आता हूँ, मैं पिछले साल भी बाइक पे आया था। केदारनाथ की मैंने यात्रा की है, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ माणा गांव, मैंने सभी के सभी बाइक पे की है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जब कपाट खुले थे तो दर्शन किए थे, अब की बार जो कपाट खुलेंगे तो हम पहले ही दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे अच्छे से तरीके से, ठीक है दोस्तों। और सामने
कितना शानदार यूनिवर्सिटी है ये, आप देखो। और ये सामने अपनी बाइक खड़ी है, गुजरात व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। पिछली बार जब मैं आया था तो जो सामने आप वो देख रहे होंगे, वहाँ से नीचे उतर के यहाँ पर गए थे, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बिल्कुल नीचे यहाँ पर खड़े हुए थे, बिल्कुल पास में जहाँ पर स्नान करते हैं, वो स्नान कर रहे हैं, ये वाला स्थान यहाँ पर गए थे। ठीक है दोस्तों, अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है, उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों अभी पहुंचे हैं कुलधारा देवी मंदिर के पास, और यहाँ का व्यू बहुत शानदार है। एक बार आप व्यू चेक कीजिए, यहाँ पर बोटिंग हो रही है, और ये रहा मंदिर माता जी का। और मानता दोस्तों ये है यहाँ की, आप पहले यहाँ के दर्शन करके फिर आपको यात्रा करनी पड़ती है, और हमने दर्शन कर चुके हैं। ठीक है, किए दूर से है पर किए जरूर है, यहाँ खड़े होके माता जी के दर्शन करके फिर आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप यहाँ से आ रहे हो, आपको दर्शन करने नीचे जाके आप बोटिंग भी कर सकते हो, और नीचे रुकने का भी बना रखा है, जैसे बीच बीच पे होते ना वैसे ही है, आप यहाँ रुक सकते हो। है ना दोस्तों, पूरा शानदार। और यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, और अभी ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, और पहाड़ों में ऊपर ऊपर वाली साइड पे आग लगी हुई है, और आप ऊपर देख सकते हो हेलीकॉप्टर चल रहा है, और वो पानी पानी डाल रहा है, जो आप ये देख रहे होंगे पानी डाल रहा है वो ऊपर की आग बुझाने के लिए। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और दोस्तों ऊपर वाले इलाकों में हर जगह आपको आग आग ही आग मिलेगी। आपको ये दिख रहा होगा ना, इतना फोगी फोगी सा, ये सारा का सारा धुआं है ये ऊपर। आप ये भी देखो, आप ये नोट करो, ये सारी की सारी आग लगी हुई है, और हेलीकॉप्टर से इसको बुझा रहे हैं। ठीक है, आप भी आ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गंदगी मत फैलाना, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और माता जी के दर्शन कीजिए आप भी, और आगे चलते हैं। ठीक है, अभी रूट के मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा पालकी तक मुझे जल्दी पहुँचना है। ठीक है, रूट वही है जैसे मैंने पिछले साल आपको दिखाया था, बिल्कुल शानदार, और रूट बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है इसमें। और यहाँ श्रीनगर से श्रीनगर यहाँ से 12 किलोमीटर है, और हम 12 किलोमीटर आगे आ चुके हैं श्रीनगर से, उसके आने के बाद तब ये मंदिर आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और ये बोटिंग का बहुत दूर तक लेके जाते हैं ये। ठीक है, जाने के बाद फिर वापस आते हैं, ये बहुत लंबे लंबे चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। तो आज की जो पालकी है, नहीं पीछे वाला ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों जो आज की पालकी है वो आज पाटा में रुकी है, और कल सुबह चलेगी गौरीकुंड के लिए, और आज तारीख है 7, जो आज ये पाटा में रुकी हुई है, मंदिर में है। अभी जाके देखते हैं, दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे जितना हो सका, तो वहीं लेके चलता हूँ मैं आपको। और आज हम कैंपिंग करने की सोच रहे हैं दोनों भाई, और कैंपिंग का भी आपको दिखाएंगे। और ये आ चुका है दोस्तों, आपको बता दूँ, आपकी बार हेलीकॉप्टर से आप राइड करना चाहते हो तो उसका 1930 रुपये, जो इसका रेट लिखा हुआ है 1930 रुपये लिखा हुआ है, एक बार आपको मैं वो दिखाता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, अरे यार एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है, बी अवेयर ऑफ फेक वेबसाइट्स। तो यार बहुत सारी फेक वेबसाइट्स बनी होती हैं फिशिंग के लिए, तो उन सबसे प्लीज बच के रहना, लिंक को अच्छे से चेक करना जो भी ये लिंक दिख रही है आपको, और इसी लिंक से बुक करना आप इस साइट पे जाके। ठीक है, और आप बुक करवा सकते हो, और फेक वेबसाइट बहुत ज़्यादा चल रही है, उनसे बचना। ठीक है दोस्तों, और यही मंदिर है, उस मंदिर में पालकी रखी हुई है, आज विश्राम यहीं पर किया हुआ है पाटा में,
और अभी आपको दिखाते हैं, मैंने हम भी देखते हैं जाके, फर्स्ट टाइम ऐसी यात्रा में आए हैं। नहीं तो हम सीधा जो गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जाती है पालकी, हम वहाँ तक गए थे, अब की बार में जल्दी आ चुके हैं और जल्दी ही यात्रा में शरीक ले चुके हैं। और 8 तारीख, कल 8 तारीख है, तो कल आपको मैं सारा का सारा जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेगा मेरा भाई और मैं दोनों। यार मैं ठीक है, व्यूज ही देख रहा हूँ ये भाई, एक बार ये देखो जरा, ये देखो भाई, व्लॉग भी छोड़ के मैं तो यही देख रहा हूँ, कितना सुंदर है ना, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा अभी, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये टॉप वाला पार्ट, वहाँ बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, शायद कैमरा में नहीं दिख रहा है क्लियरली, वहीं पर जूम करने की कोशिश करता हूँ, वो दिख रहे हैं आपको पहाड़, शायद आप दिख रहे हैं क्लियरली, वहीं पर जाना है और वहाँ हमें जाना है, बट आज तो हम पहले पालकी दिखा रहे हैं आपको, दिखाने जा रहे हैं आपको पालकी, तो शायद मंदिर आई थिंक तो आगे के साइड में ही है, मतलब आई थिंक भाई साहब बढ़िया एक बार ये व्यू देखो दोस्तों, अभी फाटा में पहुंच गए हैं और आज की जो पालकी है यहीं पर रखी हुई है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, आप पालकी देख रहे होंगे और आप भी दर्शन कीजिए, यही केदारनाथ जाएंगे बाबा जी, जय हो। और साथ में है जो साथ में लेकर चल रहे हैं, तो आप भी दर्शन कीजिए और पिक्चर बनाने हैं। हाँ जी हाँ जी, और अभी बाहर चलते हैं, क्राउड बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा बाहर चल के करते हैं। आपको दोस्त मैं पहले ही आपको दर्शन करवा चुका हूँ मैं, और बता दूं कि ये पालकी जो कपाट पालकी ऊपर जाएगी केदारनाथ मंदिर में, उसके बाद ही कपाट खुलेंगे, और ये 6 महीने के लिए कपाट खुलते हैं, उसके बाद पालकी नीचे जाएगी तो फिर कपाट बंद हो जाएंगे, ठीक है। दिख रहे हैं दोस्तों, अभी आरती चल रही है और आप भी दर्शन कीजिए,